मेरठ में बिजली विभाग के एक जेई ने जहर खा लिया है और उसके बाद जो तमाम संगठन हैं वो यहाँ किस तरीके से बेहद गुस्से में हैं। अफसरों से लगातार मीटिंग चल रही है, लगातार अफसरों से बातचीत चल रही है और सीधी चेतावनी दे दी गई है कि यदि उनकी बात नहीं मानी गई और इस तरीके से यदि उत्पीड़न किया गया तो तमाम आसपास के ज़िलों के जो और भी जेई हैं, जो और भी संगठन के पदाधिकारी हैं, वो भी मेरठ में मोर्चा खोल देंगे अधिकारियों के खिलाफ। क्या इन लोगों की मांगे, नीचे बात कर लेते हो। क्या नाम है आपका? मैं आर ए कुशवाहा, जूनियर संगठन का मैं पश्चिमांचल सचिव हूँ। क्या आज आपकी नाराजगी की वजह देख रहा हूँ कि अधिकारियों से उलझ रहे हैं, सीधा कह रहे हैं कि बस हद हो गई, इस बार तो देखा जाएगा, आर पार हो जाएगा। वास्तव में स्थिति बड़ी बुरी हो गई है पावर कॉरपोरेशन की। एक और अभियंता को कल निलंबित कर दिया गया, उसे दो दिन पहले उसका स्थानांतरण कर दिया गया था। वो डिप्रेशन में आके और अभियंता ने रात जहर खा लिया, अभी जिंदगी मौत से वो जूझ रहा है। और ऐसी स्थिति हो गई कि अधिकारी न मैन मनी मटेरियल कुछ भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे, कोई सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। सालासर कंपनी को लगाया गया तार बदलने के लिए, जर्जर तार बदलने के लिए, बिजली घरों की व्यवस्था सुधारने के लिए, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। अधिकारी एसी कमरों में बैठकर केवल आदेश चला रहे हैं। कैसे अवर अभियंता जूनियर इंजीनियर काम कर रहे हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, जिसका प्रतिफल आज हुआ कि एक अवर अभियंता जहर खा के जिंदगी मौत से जूझ रहा है। क्या नाम है उनका और क्या हुआ था उनके साथ, कहाँ थे, कैसे कार्रवाई की गई? वो राजेश कुमार अवर अभियंता है, ये गंगोल बिजली घर पे तैनात थे। इनके यहाँ एक 63 का ट्रांसफार्मर 4 दिन पहले खराब हुआ था। उन्होंने मिस्त्री बुलाकर उस ट्रांसफार्मर को सही कराया, 2 दिन तक वो ट्रांसफार्मर चला, उसके बाद ट्रांसफार्मर फिर डैमेज हुआ। उपभोक्ता की शिकायत गई ऊपर, अधिकारी को सबके नॉलेज में है, लेकिन फिर भी इन्होंने ऊपर के अधिकारी को, एमडी महोदया को, माननीय ऊर्जा मंत्री जी को कन्विंस नहीं कर पाए, वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं कराए, जिसके कारण वो अवर अभियंता के साथ कल निलंबन की कार्रवाई हुई और उसी का परिफल निकला कि वो अवर अभियंता जिंदगी मौत से जहर खाकर अस्पताल में जूझ रहा। अब क्या आपने अल्टीमेटम दिया अधिकारी? अल्टीमेटम ये दिया गया कि उसको तुरंत बहाल कराया जाए, अगर बहाली उसकी नहीं होती है, हमारे इस जोन में 8 अवर अभियंता सस्पेंड चल रहे हैं। डायरेक्टर साहब आए थे, डायरेक्टर साहब से बता दिया गया है कि 8 के 8 किसी गमन का कोई केस नहीं है, कोई दुराचार में नहीं है, बस बिजली आपूर्ति को लेकर हुआ है। बिजली आपूर्ति 47 डिग्री टेम्परेचर पर, जो इन्होंने इक्विपमेंट तो अवर अभियंता खरीदा नहीं है, ना कोई ट्रांसफार्मर खरीदा, ना कोई केबल खरीदा, इंस्पेक्शन के लिए कभी अवर अभियंता जाता नहीं। तो अगर बिजली आपूर्ति बाधित है तो अवर अभियंता कहाँ जिम्मेदार है? टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि ABC सारे चू के टूट टूट के ऊपर से गिर रही हैं, तो उसमें अवर अभियंता क्या करेगा? जितने भी निलंबन हुए हैं ये अनैतिक निलंबन है, बिजली आपूर्ति पर निलंबन किया गया है। हमारी बस यही मांग है कि जो निलंबन है वापस किया जाए, और जो जहर खाया हमारा अवर अभियंता, जितना मजबूर किया गया उसे जहर खाने के लिए, उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसके खिलाफ हम FIR भी कराएंगे। अच्छा, उनके खिलाफ उस परिवार से FIR भी कराएंगे जो लोगों ने उसको उत्पीड़न में दोषी हैं। अच्छा, एक चर्चा और है, यहाँ तमाम तरह की बातें चल रही थी, अभी बाहर की तरफ लोग खड़े थे, उनका सीधा ये कहना था कि भाई लापरवाहियाँ हो रही हैं, MD एक्शन कर रही है, तो उस पर दबाव बनाने के लिए इस तरीके से ये लोग यहाँ अधिकारियों को घेर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी सब अफवाहें हैं। देखिए, ये अवर अभियंता ऐसा संवर्ग है जो इस बिजली विभाग को आपूर्ति से लेकर राजस्व वसूली पूरा काम करता है, यही विभाग को चलाता है। आप सब पब्लिक से रूबरू सीधे अवर अभियंता होता है, बीच वाला कोई नहीं होता। उसी कमी बेसी उसमें इतने कंज्यूमर है, 5,000-10,000 कंज्यूमर हर बिजली घरों पे है। 10,000 अगर बिजली आपूर्ति गई तो 2 मिनट के लिए उसका फोन चैन से नहीं उठता। लोगों को अफवाह है कि काम नहीं कर रहे, काम अगर नहीं करते तो इतना बड़ा महानगर बिना आपूर्ति का नहीं रह सकता है। यही अवर अभियंता थे, कोरोना काल में 24 घंटे बिजली आपूर्ति दिए, 4 महीने पीछे 24 घंटे, 20 दिन पीछे 24 घंटे आपूर्ति दिए। सिस्टम जब फेलियर तो ये क्या कर सकते हैं? अच्छा, एक मुझे बताइए, अब क्या अधिकारियों से बात हुई है, क्या कहा है उन्होंने? अधिकारियों से बात हुई, डायरेक्टर माननीय डॉक्टर महोदय आए थे, उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं जितने 8 लोग सस्पेंशन हैं इनको मैं बहाल करा दूंगा। नहीं होते हैं? अब नहीं होते तो हम कल के लिए तैयार हैं, उन्होंने बता दिया, स्पष्ट कर दिया, 14 जिले हम यहीं बुला लेंगे अपना। मैं पश्चिमांचल का अध्यक्ष हूँ, ये मेरे महासचिव जी हैं, और अगर नहीं करेंगे तो हम एकदम कटिबद्ध हैं उनके साथ। देख रहे हैं तमाम लोग गुस्से में हैं, तमाम लोग गुस्से में हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि न व्यवस्था है, न मैन पावर है, और ये लोग चाहते हैं कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए जूनियर इंजीनियर को बलि का बकरा बनाया जाए। कार्रवाई कोई सोल्यूशन नहीं होता है। यदि कहीं पे कोई कमी हो रही है उसको आप हौसला बजाइए, टीम वर्क करके उससे काम करना चाहिए। बिना टीम वर्क के आप चाहेंगे कि आप किसी का शिकायत आ गया इस पर बिना जांच के, बिना किसी प्रकार के इसको कार्रवाई कर दिया जाए, वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है सर। क्या है
आप देख रहे हैं सब लोग इकट्ठा हैं और कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो 14 जिले के जो सभी बुला लिए जाएंगे, सारे जेई इस समय सारे वर अभियंता सब लोग प्रताड़ित हैं अधिकारियों के कार्यवाहियों से, कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, बिना कुछ उनसे स्पष्टीकरण मांगे, बिना कोई उनकी सुने एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, जिससे सब लोग एकदम मानसिक रूप से परेशान है, ना लोग अपने परिवार को समय दे पा रहे हैं, ना विभाग के लिए, ना उनकी ज़िंदगी कोई रह गई है, हमेशा वो विभाग के लिए सुन रहा है, दिन भर रात भर गर्मी हो चाहे बारिश हो, हर एक समय जो हमेशा वो साइड पे लगा हुआ है, आप देख रहे हैं कि पूरा जो है इस समय पूरी गर्मी 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, जहाँ निकलना लोगों का दूभर है, उस समय में हम लोग जो है पोल पे तपते जो है पोल पे जो है चढ़ के काम करा रहे हैं, जो छूना मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी इसको कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा, ना कोई व्यवस्था दी जा रही है, ऐसे में हमारे ऊपर अगर कार्रवाई की जाएगी, हमारा मनोबल ना बढ़ा के हमारा मनोबल तोड़ा जाए, हमें परेशान किया जा रहा है, हमें मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है, हमें हर एक तरीके से परेशान किया जा रहा है, इसलिए हम लोग कटिबद्ध हैं, सर ने जैसा कह दिया, अगर ये कार्रवाई हमारी बातें नहीं मानते हैं, हम सब लोग यहीं धरना देंगे जब तक कि हमारी बातें मान ली ना जाए। देखिए तो आपने देखा कि जो तमाम कर्मचारी संगठन है किस तरीके से यहाँ पर जो जूनियर इंजीनियर्स के संगठन है बेहद गुस्से में है, सीधा ऐलान कर दिया कि यदि उत्पीड़न किया गया, बहाली जो सस्पेंड किए गए वो नहीं किए गए, और जो जिस जेई ने राजेश कुमार ने जहर खाया है उस मामले में भी उनकी बहाली के बाद लापरवाही पर सख्त एक्शन नहीं हुआ, तो फिर 14 जिले के जो जेई हैं वो यहाँ मेरठ में बुला लिए जाएंगे, बड़े आंदोलन और बड़े धरने का इन लोगों ने ऐलान कर दिया है, लेकिन इसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।